Hello students, so here is the video of class 9th and I am going to discuss the topic crop protection management, which is taken from the chapter 3, and the name of this chapter is improvement in food resources. So today we will talk about the crop protection and management. So let's see, crop protection and management. जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है protection. When you grow the crop in the field, you need to protect it from so many harmful things. ठीक है, जब आप फसल को खेतों में लगाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनको बहुत सारी अनवांटेड चीज़ों से हम प्रोटेक्ट करके रखें, अदरवाइज़ हमारा जो प्रोडक्शन होगा, जो हमारा रिज़ल्ट होगा, वो डिज़ायरेबल नहीं होगा एंड उसमें हमें बहुत लॉस होगा, है ना. तो क्रॉप की जो प्लांट्स होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे वीड्स होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं और बीमारियां. ठीक है, ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं. वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, इंसेक्ट, ठीक है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, और बीमारियाँ. ये तीन ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे फसलों को बर्बाद कर देते हैं और एट द एंड हमको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलता. ठीक है, इफ़ दीज वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेज आर नॉट कंट्रोल्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम, दे कैन डैमेज मोर देन 50% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड. अगर इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्टर्स को अगर हमने सही समय पर, अप्रोप्रिएट टाइम पर अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, तो हमारा जो क्रॉप होगा वो 50% तक क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, नुकसान पहुँच सकता है, और हमें 50% तक का लॉस हो सकता है हमारे एग्रीकल्चर में. ठीक है, तो इस वजह से प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम वीड की बात करेंगे और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. वीड एंड वीड कंट्रोल. ओके, तो वीड का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हमारे खेतों में हमारे क्रॉप्स के साथ अपने आप उगाते हैं और फिर ये हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे एक ज़ैंथियम नाम का, जिसको हम गोखरू बोलते हैं कॉमनली, अमेरेंथस नाम के पौधे होते हैं, चौलाई जिसको कहते हैं, पार्थीनियम जिसको गाजर घास कहते हैं, या चिनोपोडियम बथुआ, या अवेना सेटाइवा वाइल्ड ओट, ये सारे क्या हैं? कॉमन, बहुत ही कॉमन से घास फूस हैं, वीड्स हैं, जो हमारे खेतों में हमारे फसलों मेन क्रॉप के साथ उगाते हैं और हमारे हमारे खेतों में हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिस इज़ द अमेरेंथस. ठीक है, ये ग्रासेस है, वाइल्ड ओट है, कॉनवोल्व्यूलस है एंड चिनोपोडियम है. दीज आर सम बेसिक सर्टेन कॉमन वीड्स. ठीक है, कैसे वीड्स हमारे फसलों को, हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं? लेट्स सी, दे कम्पीट फॉर फूड स्पेस एंड लाइट. हमारे पौधों के साथ, हमारी मेन क्रॉप के साथ ये क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, क्योंकि वो भी तो पौधे ही हैं, उनको भी तो फूड चाहिए, जगह चाहिए, लाइट चाहिए, है ना. और ये क्या करते हैं, ये पौधे क्या करते हैं, ज़मीन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको टेकअप कर लेते हैं, और इससे हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ में रिडक्शन आ जाता है, कमी हो जाती है. हमारे जो मेन क्रॉप होती है, वो पौधे जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं. राइट, वीड्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक सबस्टेंस विच में इंटरफेयर विद क्रॉप ग्रोथ. कुछ ऐसे भी वीड होते हैं जो टॉक्सिक एंड पॉइजनस सबस्टेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी मेन क्रॉप के लिए नुकसानदेह होते हैं, ना, जो हमारी मेन क्रॉप को वीक बना देते हैं. और एक प्रॉब्लम होती है वीट से कि जब हम पेड़ों की, जब अपने मैच्योर क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो वीट जो होते हैं उन्हीं के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटी होती है हमारी क्रॉप की, वो कम हो जाती है, और उसकी हमारी मेन क्रॉप के साथ बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर हमें मिलता है, तो वो सूटेबल नहीं होता है, वो हार्मफुल होता है. The weeds spread crop pests and diseases by acting as an alternate host to insect and microorganism. कभी कभी क्या होता है कि weeds में जो पौधे होते हैं उन पर बीमारियाँ लग जाती हैं, और वो बीमारियाँ फिर हमारे मेन क्रॉप में लग जाती हैं, और फिर इससे हमारे पौधे जो होते हैं वो मरने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, और उस वजह से हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो इंटरफेयर होती है. तो ये इस तरीके से वीड जो हैं वो हमारी मेन क्रॉप्स को नुकसान पहुँचाते हैं. ओके, नाउ
कैसे कंट्रोल करेंगे हम, मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल। तो वीट को हम अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। पहला हम मेथड पढ़ेंगे मैकेनिकल। इसमें हमने क्या करना है, हमको अपरूटिंग मतलब कि उखाड़ देते हैं हम जाकर मैनुअली, क्या करते हैं पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक देते हैं खुरपी या फिर ट्रॉवल, दिस इज़ ट्रॉवल, ट्रॉवल की हेल्प से, ठीक है। स्क्रैपिंग करते हैं, हैंड होइंग करते हैं, इंटरकल्चर, प्लगिंग, बर्निंग, फ्लडिंग, इन सारे तरीक़ों से हम मैकेनिकली क्या करते हैं वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है कल्चर मेथड। कल्चर मेथड में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर बेड प्रिपरेशन और क्रॉप की जो टाइमिंग होती है उसको हम, उसकी हम प्लानिंग करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो इन सब से भी जो वीड का जो पॉपुलेशन होते हैं, जो उनकी नंबर्स होते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे वीड, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वीड है तो उसके उगने का, उसके ग्रो करने का कोई समय होगा, तो उस समय से पहले ही अगर हम अपनी क्रॉपिंग कर लें तो क्या होगा, वीड्स वो उगने से पहले ही हम अपनी क्रॉपिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से भी क्रॉप रोटेशन करके भी हम वीड से बच सकते हैं, बॉन और मिक्स क्रॉपिंग के थ्रू भी हम वीड से बच सकते हैं, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं, तो बहुत सारे कल्चरल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड है तीसरा। इसमें हम क्या करते हैं, वी डिस्ट्रॉय द वीड बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। यहाँ पर हम स्पेशल केमिकल यूज़ करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड। वीडीसाइड वो केमिकल होते हैं जो वीड्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में 2,4-D भी बोलते हैं। MCPA मेथिल, 2-मेथिल-4-क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, एट्राजाइन या बुटेक्लोर, ठीक है। ये सारी क्या हैं, दीज आर द वीडीसाइड्स दैट वी यूज टू किल द वीट इन आवर फील्ड। चौथा है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम जानबूझकर इंसेक्ट्स या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं जो वीड्स को क्या कर डालते हैं, खा डालते हैं, कंज्यूम कर डालते हैं, और वीड प्लांट को डैमेज करके, खा कर डिस्ट्रॉय करके, डैमेज करके उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे एक इंसेक्ट है जिसका नाम है कॉकिनियल इंसेक्ट, ये क्या करता है, अपोन्शिया नाम का जो वीड है उसको इरेडिकेट यानी कि डैमेज करके, डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देता है। तो इसमें हम इंसेक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके वीड्स को रिमूव करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल का मतलब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, ठीक है। दूसरे जो फैक्टर हैं हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या है, कीड़े, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट पेस्ट, ये हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर देते हैं। और जितनी भी क्रॉप्स होती हैं सब में जो है इंसेक्ट्स लग जाते हैं, अटैक करते हैं, और सब एक साथ हमारी जो है फसल ख़राब हो जाती है। जैसे कुछ यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, पल्स बिटल, राइस वीविल, खापरा बिटल, राइस मोथ, लेसर ग्रेन बोरियर, ग्रेन एंड फ्लावर मॉथ, रस्ट रेड फ्लावर बिटल, ठीक है। ये सब इंसेक्ट जो है हमारे पौधों में लग जाते हैं और उनको डैमेज कर डालते हैं। कैसे हम इनको, पहले हम ये देखेंगे कि कैसे ये अटैक करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज, 3 तरीके से ये हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला, ये क्या करते हैं, दे कट द रूट स्टेम एंड लीव्स, इनको बोलते हैं चिविंग इंसेक्ट, ठीक है। ये हमारे रूट, हमारे प्लांट्स के रूट स्टेम एंड लीव्स को चिव करते हैं और कट कर डालते हैं, तो ये चिविंग इंसेक्ट्स होते हैं। दूसरा तरीका है दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ये हमारे सेल, हमारे प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो सैप होता है, जूस होता है, उसको ये सक करते हैं और इसके थ्रू ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सकिंग इंसेक्ट, क्योंकि ये सेल सैप को क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, तो सकिंग इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, दे बोर इन टू द स्टेम एंड फ्रूट, ये क्या होते हैं, ये फ्रूट और स्टेम के अंदर घुस जाते हैं,
बोर का मतलब क्या होता है, छेद करके अंदर घुस जाना। तो ये बोर करके अंदर हमारे प्लांट के स्टेम में, और जैसे फलों में आप देखते होंगे अंदर, आप जब फल कोई काटते हैं तो अंदर कीड़ा बैठा हुआ होता है, तो इस तरीके से ये बोर करके अंदर घुस जाते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल फीडर। इंटरनल का मतलब अंदर, फीडर का मतलब खाने वाला, जो फ्रूट और स्टेम के अंदर जाकर बैठ कर छुप कर क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ओवरऑल हेल्थ, क्रॉप की ओवरऑल हेल्थ को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे हम इनको रोकेंगे, प्रिवेंटिव मेज़र क्या है? सबसे पहले तो क्लीन कल्टीवेशन, हमारा जो हम कल्टीवेशन जब कर रहे हैं, जब हम खेती कर रहे हैं, तो सब कुछ नीट एंड क्लीन हाइजीनिक होना चाहिए। ऑप्टिमम टाइम ऑफ शोइंग द क्रॉप, क्रॉप किसी फसल को बोने का जो सही समय है, बिल्कुल सही समय, उसी समय पर हम उसको लगाएँ, बोएँ। यूज़ ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़, ऐसे क्रॉप की वो वेराइटी का इस्तेमाल करें जो पेस्ट रेजिस्टेंट हैं, जिस पे कीड़े ना लगते हों, जिनको कीड़े नहीं खाते हों, ऐसी वेराइटी का हम पौधे लगाएं अपने खेतों में। क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, ये भी एक तरीका है, इसके तरीके इससे भी हम अपने फसलों को बचा सकते हैं इंसेक्ट से। कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू भी बचा सकते हैं। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय यूजिंग पेस्टिसाइड। मान लीजिए कीड़े मकोड़े लग गए आपके खेत में, सो हाउ कैन वी कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट? कैसे हम कीड़े मकोड़े से अपने पौधों को बचाएंगे अगर वो हमारे पौधों को यहाँ अटैक करते हैं? तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, केमिकल। ठीक है, कुछ केमिकल होते हैं जिनको, जिनसे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में अगर हम स्पेशली इंसेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड बोलेंगे। फॉर किलिंग द इंसेक्ट, वीडिसाइड का मतलब होता है किलिंग द वीड, रोडेंटिसाइड का मतलब किलिंग द रैट, एंड फंजीसाइड का मतलब होता है किलिंग द फंजाई। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए अलग अलग पेस्टिसाइड्स आते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं टू इराडिकेट द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आवर क्रॉप। ओके, और कुछ नेचुरल इंसेक्टिसाइड में, ये तो केमिकल इंसेक्टिसाइड है जो हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, कुछ नेचुरल भी हैं जैसे नीम, निकोटीन एंड पायरेथ्रम। ये सारे क्या हैं, एक नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो हम जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू इरेडिकेट द इंसेक्ट्स फ्रॉम आवर क्रॉप। ठीक है, नाउ आई टॉक अबाउट द डिजीजेज ऑफ क्रॉप प्लांट। अब पौधों में बीमारियाँ लग जाती हैं, राइट, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जब जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो करते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, प्लांट्स में बीमारियां कॉज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर डिजीज़ हैं। ठीक है, एप्पल स्कैब, चेरी पाउडरी मिल्डिव, कॉर्न नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट, ग्रेप ब्लैक रॉट, ग्रेप लीफ ब्लाइट, ऑरेंज हंग्लो पिंक, पीच बैक्टीरियल स्पॉट, पोटैटो अर्ली ब्लाइट, स्क्वैश पाउडरी मिल्डू, स्ट्रॉबेरी लीफ स्कॉच, टोमेटो अर्ली ब्लाइट, टोमेटो लेट ब्लाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी तरीके की बीमारियाँ हैं, है ना। तो ये सारी डिजीज़ जो हमारी क्रॉप्स को क्या करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। डिजीज़ को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। किस पर डिपेंड करता है, मोड ऑफ अक्रेंस। ठीक है, जैसे सीड बोन डिजीज़, एक कुछ डिजीज़ होती हैं जो सीड्स के थ्रू, है ना, प्लांट्स के सीड्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं और सीड्स में पाई जाती हैं, जैसे एरगोट ऑफ बाजरा, पर्ल मिलेट, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, लूज स्मट ऑफ वीट। ठीक है, ये सब किससे होता है, फंजाई नाम के ऑर्गेनिज्म से ये बीमारियाँ कॉज होती हैं। दूसरा है सॉयल बोन डिजीज़, जो स्प्रेड होती है किसके थ्रू, सॉयल के थ्रू होती हैं, मोस्टली रूट्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे स्मट ऑफ बाजरा, टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट। कुछ बीमारियां होती हैं जो हवा के ज़रिए ट्रांसमिट होती हैं, इनको हम बोलते हैं एयर बोन डिजीज़, जैसे रस्ट ऑफ वीट, ब्लास्ट ऑफ राइस। ठीक है, एयर बोन डिजीज़ होती है वो एरियल पार्ट को अटैक करते हैं, और जैसे लीफ फ्लावर और फ्रूट पे, ठीक है, रूट में नहीं, ये कॉज करती हैं। वाटर बोर डिजीज़, जो जिनके पैथोजन वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होंगे, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, जब हम धान के खेतों में जब हम पानी चलाते हैं तो उन पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू क्या होता है कि ये जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ट्रांसफ़र होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में, तो पानी से जो फैलेगा उसको हम वाटर बोर डिजीज़ बोलेंगे। नाउ वील टॉक अबाउट द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। देखिए, जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो उस समय भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है,
उसके नुकसान का। ठीक है, मोस्ट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ओनली वंस इन अ ईयर। ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती हैं साल में एक बार हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो उनको हमें क्या करना होता है कि स्टोर करना होता है फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, एक ही बार साल में एक ही बार हमने लगाया तो एक ही बार हमको मिल रहा है, तो रेस्ट ऑफ द मंथ्स हम क्या करेंगे, तो हमको उसको फॉर द फुल ईयर हमें उसको सेफ स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो स्टोर कर लिए हम क्या करते हैं, अगर जब हम स्टोर करते हैं तो ग्रेन्स जो होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस लॉस हैज़ बिन एस्टिमेटेड टू बी 9.3% एनुअली। स्टोरेज के समय जो हमारा जो लॉस होता है वो क्या है, 9.3% एनुअली, जो हमारा साल भर में 9.3% जो हमारे हमारा जो इस ग्रेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू द पुअर स्टोरेज फैक्टर अफेक्टिंग द स्टोर फूड। क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे स्टोर फूड को अफेक्ट करते हैं, देर आर टू मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के समय जो नुकसान होता है उसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है बायोटिक फैक्टर, दूसरा क्या है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो स्टोर्ड ग्रेन को डैमेज कर देते हैं, जैसे इंसेक्ट, रोडेंट, रैट, माउस, बर्ड, स्पैरो, बुलबुल, क्रो, माइट एंड बैक्टीरिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब स्टोर्ड फूड को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में क्या होगा, नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर होगा, जैसे मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, इम्प्रॉपर टेम्परेचर एट्सेट्रा। दीज फैक्टर कॉजेज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, पुअर मार्केटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस। कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मीजर्स टू बी यूज बिफोर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। फूड को स्टोर करने से पहले क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, तो पहला ड्राइंग, पहले हम क्या करेंगे, हार्वेस्टेड फूड ग्रेन को ड्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और सन ड्राई करते हैं, जनरली धूप में सुखाते हैं, इससे क्या होता है कि मॉइस्चर का कंटेंट जो होता है वो ग्रेन में ख़त्म हो जाता है, जिससे उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अटैक नहीं करते हैं। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इज़ वेरी नेसेसरी, प्रॉपरली क्लीन्ड होने चाहिए और उनका स्टोर एरिया भी क्लीन होना चाहिए, गनी बैग जो होते हैं वो और जो गोडाउंस हैं, वेयर हाउस हैं, स्टोर हैं, ये सारे नीट एंड क्लीन होने चाहिए और न्यू होने चाहिए। बैग्स अब शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई एंड क्लीन, दे शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट एंड वेबिंग। ठीक है, तो ये हाइजीन मेंटेनेंस होना चाहिए, सेफ़ एंड प्रॉपर स्टोरेज। स्टोरेज क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, गोडाउन, वेयर हाउस एंड स्टोर शुड बी प्रॉपरली क्लीन, ड्राइज एंड रिपेयर्ड। फ्यूमिगेशन करते हैं हम, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, विच कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट बाय फॉर्मिंग टॉक्सिक फ्यूम्स आर कॉल्ड फ्यूमिगेंट्स, एंड प्रोसेस ऑफ द यूज इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन। हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं जिससे एक टॉक्सिक जहरीले फ्यूम्स उसमें से निकलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेंट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेंट्स जो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉस्फेट सॉलिड फ्यूमिगेंट है, एथाइलिन डाइक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ADCT लिक्विड फ्यूमिगेंट है, और मिथाइल ब्रोमाइड गैसियस फ्यूमिगेंट है। फ्यूमिगेशन क्या है, इट इज़ अ मेथड बाय विच ग्रेन्स आर एक्सपोज टू फ्यूम्स और वेपर्स ऑफ केमिकल। दिस प्रोसेस इज मेनली रिकमेंडेड फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फूड ग्रेन इन बिग गोडाउन्स और कंटेनर। ऐसा करने से क्या होता है, वहाँ पर जो पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, तो उससे उनके उनके अटैक होने का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, और सेफ हमारा जो ग्रेन होता है वो स्टोर होता है, फिर वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स, कैसे हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कैसे स्टोरेज के वक्त हम अपने क्रॉप अपने हार्वेस्टेड प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं सेफली, ताकि हम फ्यूचर में इसको हम इस्तेमाल कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।